राम राम भाई, स्टार्ट हो जाओ सारे भाई। भाई गेडी राम राम जी, राम राम सारे भाई, राम राम भाई। मीनू गोड भाई, राजू पंजाबी भाई, कहाँ है असमने भाई? राम राम जी, क्या हाल चाल है भाई? अड़ बैठे हैं भाई टिकरी बॉर्डर पे, और सारा भाईचारा बैठा है हरियाणा का। मैं दिखा दूं, जो पंजाब से कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई पंजाब को पूरा दिल से साथ दे रहे हैं, और सारा भाईचारा हक की लड़ाई के लिए बैठा है। अपने काम छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के सारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा इनका अकेले बैठन दे, या लड़ाई बड़ी को नहीं हुए, हर आदमी ना आगे आना पड़ेगा। जो जो लोग देख रहे हो, सारे भाई आगे बढ़ चढ़काओ और सहयोग करो, और जब आंदोलन बड़ा होगा तो सरकार ने सारी मांगे माननी भी पड़ेंगी, जो किसान के हक की मांग है। और मैं अपील भी करूंगा, सारे जने शांतिपूर्वक इस आंदोलन में सहयोग करो। जी भाई, नाम लेते विकास भाई और सारा भाईचारा यहाँ पे बैठा, शीशर भाई है, बबलू भाई है, फतेहबाद से सारे भाई है, जितना भाईचारा और हमारे अंकल जी बैठे हैं, तो सब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जुड़ने की तरह आगे आके जल्दी ये लड़ाई बहुत शुरुआत में यहाँ पहुँच गए थे। हो सके बड़े जाम की वजह से कुछ भाई यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन पीछे जहाँ तक भी आप पहुँच पाओ और अपने भी हरियाणा के जितने भाई जो बच रहे हैं, जय जवान जय किसान, और सारे भाई साथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 5-7 दिन की लड़ाई है, हम जरूर जीत जाएंगे, जल्दी आओ सारे भाई। राम राम भाई, जय किसान जय जवान। भैया जान के पी भाई, राम राम जी सारे भैया ने भाई, सारे भाई राम राम, सभी सब साथियों को शेर टुकड़ो नजर के वजह का बिल्कुल शेर टुकड़ो भाई, जितना हो सका सारे जो भाई बच्चा बूढ़ा बताएं बहने सभी कोशिश करो। हम सबकी लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है, जितने लड़ रहे हैं अपने मुद्दों की लड़ाई है, धरना पे बैठे 80 साल के बुढ़िया की लड़ाई है, धरना पे बैठे हुए बुढ़िया की लड़ाई है, 80 साल के बुढ़िया की लड़ाई है, हमारे हकों खातर हमारे मुद्दों की लड़ाई है, मंडिया में पड़े हुए दाने की लड़ाई है, घर रुड़ते हुए अपने याना की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, और इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी भाई, क्योंकि राजे नीच मुकादम कुत्ते, गुरु ग्रंथ साहब ने अपनी गुरुवाणी में लिखा था, राजे नीच मुकादम कुत्ते, जो राजे लोग होते हैं मुकादम लोग होते हैं, किसी के नहीं होते, इनको कोई दया नहीं होती। तो जितना भी हो सका भाई, फिलहाल हम सब ने एक होकर इकट्ठे एकत्रित होकर कोई जातवाद नहीं दिखाना इसमें, कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलेगी किसी पार्टी का, कोई भी यहाँ पे अगर आदमी झंडा उठा गया तो सबसे पहले उसको पिटने का काम होगा। बाकी ठंडा आंदोलन है, प्यार से बड़े प्यार से सभी साथी बैठे हैं, किसान हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप समान, जो हमारे दादे परदादे, चाचे ताऊ, भाई भतीजे सब आए हुए भाई, जितना उसका मुख्यमंत्री साहब का बयान आया था कि हरियाणा से कोई नहीं गया, इसलिए मैं शुक्रिया करता हूँ। ये बैठे भाई देख लो, ये बैठे ये वीडियो पहुंची हुई है सभी से, मेरी पूरा हरियाणा है लिया, जो थोड़े बहुत भाई हैं रास्ते में फंस रहे हैं बेचारे, बॉर्डर तक दूर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है, भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा है, और जितना उसका हमने क्राउड चाहिए, दिल्ली चारों ओर से सील करनी है हमको, दिल्ली को बिल्कुल सील करना है और दिल्ली फतेह करनी है मिलकर। जितना भी उसका सहयोग दे, तन मन और धन, वो चाहे आप घर तो बैठना है, नहीं घर से तो निकलना है, तन मन धन जो भी आपसे सहयोग मिले वो दे, किसान साथियों के लिए लंगर की व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था करो, जिस भाई से जितना होता है पहुंचो भाई, क्योंकि हम तो सीधी बात है भाई, सिर पर कफन वाला तेरी पर जैन दर कह रहे हैं, घर का ताला मार कह रहे हैं, सीधी बात है, हक मिलेगा जब जाके खोला ही नहीं, अड़े बैठे हैं। राम राम भाई सारे भाई, राम राम सारे भाइयों, भाई बहुत भाई जुड़ रहे हैं भाई, सारे भाई चार राम राम, सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, कि भाई कलाकार भाई मेरे साथ आज भाई आए हैं, कलाकार तो भाई पहले भाई। किसान के बेटे हैं भाई, भाई बिल्कुल कोई कलाकार नहीं भाई, पहले किसान के बेटे, बिल्कुल सही बात है भाई अजीत, तो एक नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए हम आज टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे, मेरे साथ हैं अपने केडी भाई, राम राम भाई, सारे भाइयों नाम 700 भाई जुड़ रहे हैं, सारे भाइयों कई देर का मैसेज देखा
केडी भाई भी और राजू भाई भी मेरे साथ हैं। तो एक बार और भी अपने बिंदर दुमदा भाई है, निकू भाई है, सारे भाई जितने भी हरियाणा के कलाकार है, जो पंजाब के जितने कलाकार आ रहे हैं, सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि किसान अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए, किसान के बेटे होते हुए, जिन मेरे भाइयों ने सहयोग किया है, यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हमारी जो किसान की आवाज है वो दिल्ली की पास जो भी मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, तो बहुत जल्द गाड़ी है। आप सारे भाई शेयर कर दो भाई, सीधी बात, सारे भाई शेयर कर दो। मत बोलिए भाई, दूसरे भाई इसका योग्य है। भाई सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद जय भारत। आज आपने देखे अपने सारे कलाकार भाई, जितने भी हरियाणा के कलाकार भाई हैं, सारे के सारे भाई, इनके कड़ियां कड़ियां दर्द है। मैं भी कड़ियां कड़ियां किसान की औलाद है भाई, इनका दर्द है। ये अगर तो बाहर निकट के आ रहे हैं, हर रोड़ा बैठे हमारे गेल में 5 दिन हो गए भाई, 5वां दिन है मेरा जूर बैठेगा। मेरे भाई देखने लग रहे हैं भाई, सारे एक बार विनती एक बार ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, ताकि जुड़से घर बैठे हैं भाई, केडी और बिंदर दुनौदा हो, के पी कुंडू हो, या भाई अजीत धनाणा हो, या मोहित, सारे के सारे भाई आ रहे हैं भाई, जितने भी अपने गायक हैं या कोई और है, सारे किसान जाति से जुड़े हैं। और मेरे जितने भाई देखने लग रहे इस वीडियो ने कुछ ज्यादा से ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर दी। और भाई पहली बात, अपना एरिया तो जमाए को नहीं आ रही यार, रियलिटी सच्चाई है भाई, जो जो तरफ साधन है, जो जो चीज है तरफ लेगा, जो भाई आखिरी लड़ाई है। अगर जो ई बी हार गए ना, अगर जो ई बी हार गए, एक बात दिमाग में डाल लियो, अपने भाई हैं, बोलिए बोलिए, पंजाब से आए हैं, सभी भाई, यही अपनी आखिरी लड़ाई है, इसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा।